बाबू मेरी बातों को साहबों तक पहुंचा देना तो पेंशन मिलेगी, एक साल से नहीं मिली है पेंशन। दोस्तों एक कहावत है कि जिसके माथे पर तेल होता है लोग उसी के माथे पर तेल देते हैं। कहने का मतलब है कि सामर्थ्यवान को ही समाज में सहयोग मिलता है, गरीबों लाचार लोगों को प्रशासन की ओर से कम नजर में देखा जाता है और ऐसा ही होता है, ऐसा ही हो रहा है। अभी समाज में महिलाओं को अनदेखा करा जा रहा है, इसे नैतिक का खेल कहेंगे। एक महिला ऐसी ही स्थिति से गुजर रही है, उसकी उम्र 80 साल है, उनका नाम मरियम टोपनो है। वो बुढ़ापे का दुख झेल रही हैं। उन पर दुखों का पहाड़ उसी दिन टूट पड़ा था जब वे असम में अपने माता पिता के साथ रहती थी और खेलते खेलते गिरी, धीरे धीरे दिव्यांग हो गयी। दिव्यांग होने के बाद माता पिता ने उन्हें असम से दियाकेल सरना टोली के घर में अकेले छोड़ दिया, वे असम लौट गए। मरियम कहती है कि जब उनकी उम्र 7-8 साल की थी तब वे स्थिति में आई। अब तो वे अपने माता पिता का नाम भूल चुकी हैं। दिव्यांग होने की वजह से उनकी शादी भी नहीं हुई। गांव के रिश्तेदार ने दिन में 1-2 बाल्टी पानी देने का ही कर्म किया है, उसी से उनका काम चलता है, अपना खाना खुद पकाती हैं। पिछले एक साल से उनकी पेंशन बंद है, उनके भर पेट भोजन का भी ठिकाना नहीं है, बिजली भी नहीं है, घर में डिबरी जलाकर गुजारा करती हैं। आदिवासी समुदाय की लाचार वृद्धा को सरकार की ओर से एक बल्ब तक नहीं मिला है। आखिर क्यों उसकी पेंशन बंद है, इसी बात को वो जानना चाहती हैं और वो लोगों से कहती हैं कि बाबू मोर बात के साहब मन तक पहुंचाए देवा तो पेंशन मिल जा भी। तो दोस्तों ऐसी महिलाओं की मदद के लिए आप क्या करना चाहते हैं कमेंट में बताएं।